हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी गाने का राग पता कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि इस राग में ये स्वर लगेंगे तो या फिर इस गाने में ये स्वर लगेंगे। तो उसके लिए आपको एक चीज़ बड़ी गहराई में सीखनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे 5 रागों के नाम बताने वाला हूँ, उन रागों को मैं बजा के भी दिखाऊँगा। ये राग आप लोग ज़रूर सीखें। और बात आती है कि इन रागों को किस तरीके से तैयार करना है ताकि हम किसी भी गाने को पहचान पाएँ कि ये गाना कौन से थाट के अंदर आता है, ये गाना कौन से राग के अंदर आता है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको सीखनी है, आपको सीखना चाहिए राग बिलावल। तो जैसे कि आपको पता है कि राग बिलावल में सारे स्वर शुद्ध हैं, तो देखा जाए तो सा शुद्ध रे शुद्ध गा मा पा धा नी सा। तो ये राग का अवरोह में भी सेम यही स्वर सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस राग के अंदर सारे स्वर शुद्ध यूज होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस राग के अंदर आप 10 अलंकार बजाना सीखिए, कम से कम 10 अलंकार आपको बजाने आने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप इस राग को अलग अलग स्केल से सीखिए। जैसे कि अगर आप पहली काली से इस राग को बजा रहे हो, वैसे ही दूसरी काली से बजाना आना चाहिए, वैसे आपको तीसरी काली से बजाना, चौथी, मतलब कि अलग अलग स्केलों से आपको ये राग बजाना आना चाहिए। देन उसके बाद आप इस राग के अंदर कम से कम यूट्यूब पे पर या फिर गूगल के ऊपर सर्च करिए सॉन्ग्स बेस्ड ऑन राग बिलावल। उन गानों को आप निकालिए, कम से कम 10 गाने आपके एक राग के अंदर आपको बजाने आने चाहिए, तैयार करने चाहिए। सबसे पहले 10 गानों को तैयार करिए। उसके बाद फिर दूसरा राग पकड़िए राग कल्याण। तो उसको देखते हैं कि राग कल्याण में कौन से कौन से राग कल्याण में भी सारे स्वर शुद्ध यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ का यूज़ होता है। जैसे कि सा शुद्ध रे शुद्ध गा तीव्र माँ पा धा नी सा, और अवरों में भी सेम यही स्वर लगते हैं। सेम वही प्रोसेस, इस राग को भी आप अलग अलग स्केल से बजाइए और इस राग के अंदर कम से कम 10 अलंकार बजाइए अलग अलग स्केल से। और इस राग के भी आप गाने खोजिए, आप गूगल पे लिखिए सॉन्ग्स बेस्ड ऑन राग कल्याण या फिर राग यमन, है ना, तो आपको पता चल जाए कौन से गाने हैं, और उन गानों को प्रैक्टिस करिए। कम से कम 10 गाने आपके इस राग के अंदर भी आने चाहिए। उसके बाद जो तीसरा राग आता है राग आसावरी। राग आसावरी में 3 स्वर कोमल होते हैं, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। स्वर देखते हैं आरोह अवरोह, सा शुद्ध रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल इतार सत्ता का सा। इस राग को पकड़िए, इस राग के अंदर 10 अलंकार बजाइए और इस राग को अलग अलग स्केल से बजाना सीखिए, और इस राग के भी 10 गाने खोजिए कौन से 10 गाने आपके इस राग के अंदर आते हैं। उसके बाद जो चौथा राग आता है राग भैरवी। राग भैरवी में 4 स्वर कोमल होते हैं, रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। तो इसका आरोह अवरोह देख लीजिए, ठीक है जी। अभी इसके ऊपर भी सेम वही प्रोसेस लागू होगा आपका। पहले तो इसके अंदर 10 अलंकार बजाना सीखिए, फिर इसी राग को अलग अलग स्केल से बजाइए और फिर इस राग के 10 गाने सीखिए। देन आखिर में आपका आता है काफी थाट। काफी थाट में गा और नी कोमल यूज होता है, ठीक है। इस राग को भी सेम एज इट इज जैसे बाकी राग तैयार करें, इन रागों को भी तैयार। अगर आप ये 5 राग तैयार कर लेते हैं ना, 5 राग इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि पहले उन रागों के अंदर कुछ अलंकार बजाइए, फिर उन्हीं रागों को अलग अलग स्केल से कम 10 गाने आपको इन 5 रागों में आने चाहिए बजाने। जब ये चीज़ हो जाएगी ना, फिर आपके लिए कोई भी गाना पहचानना, ढूंढना कि ये फलाना गाना किस राग के अंदर है, फलाना गाना है के अंदर कौन से स्वर लगेंगे, कितने स्वर कोमल है, कितने शुद्ध है, आपके लिए एक चुटकी का काम हो जाएगा ढूंढना। लेकिन उससे पहले आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा, इसके बिना आप ये चीज़ नहीं पता कर सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी देखो तो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते अगली वीडियो में।